लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। प्रभा तेरे पसीने की हर बूंद को वो तेरे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना पूरा करके तेरे सिर से दिखलाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। G20 एक डर आपके अंदर है कि G20 में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आज की ये वीडियो G20 के लिए पर्याप्त होने वाली है। G20 का अध्याय समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज के बाद में इसको G21 हम कहने वाले होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में जो 21 मेंबर है वो शामिल हो चुका है। क्या इसकी थीम थी, क्या इसका लोगो था, हमने जो है कहां से आपके इसकी थीम को लिया है, उसका अर्थ क्या है, इसके लोगों का अर्थ क्या है, बहुत सारी बातें आपके सामने। कौन सा नया मेंबर हुआ है, अभी जो घोषणा पत्र आया उसमें क्या है, बायोफ्यूल के बारे में क्या बोला गया है, कौन सी बैठक पहली बार कहां पर हुई थी, अगली कहां पर होने वाली है, ये सब कुछ आपकी वीडियो के अंदर आने वाला है। पूरी वीडियो ध्यान से देखनी आप सभी को, और ध्यान रखना मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। वर्तमान में परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक G20 है। अब इसमें कुछ है ना ऐसे सवाल भी बन सकते हैं आपके सामने जो आपको कम दिखाई देते हैं। नटराज की मूर्ति के बारे में आपको ये वीडियो जो है बड़ा महत्वपूर्ण होगा, लाभकारी होगा, कम समय में अधिक बात जो है करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधान, पिंकू, सुशांत, आयन, शुभम, गोलू, ध्रुव, आंचल, सभी चिंटू पिंटू सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं G20 के बारे में। बात करूं आपसे तो G20 की जो स्थापना है वो 1999 के अंदर जो है वो G20 की स्थापना होती है। क्योंकि दोस्तों उस समय पूछूं आपसे, क्योंकि दोस्तों उस समय एशियन आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, एशिया के अंदर वित्तीय संकट हुआ था, तो थाईलैंड दोस्तों और बहुत सारे देश जो है तो उन्होंने दोस्तों अपनी जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उसका दोस्तों आपके डिवेल्युएशन किया है। उसके बाद में क्या हुआ, G20 एक समूह बनाया गया जिसमें विकासशील और विकसित देश जो है वो शामिल हो गए, और दोस्तों एक संगठन ऐसा बन गया जिसका कहीं पर कोई मुख्यालय नहीं है, इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है, केवल दोस्तों एक बातूनी मंच की तरह है ये G20। इसकी स्थापना 1999 में होती है। भारत दोस्तों इसका संस्थापक सदस्य है, मतलब दोस्तों भारत जो है 1999 से इसका मेंबर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे इसमें 19 देश शामिल हैं, और दोस्तों इसके अंदर अभी G20 बना, G21 नहीं बना है हमारी क्लास के अंदर, तो हम G20 के अंदर 19 देश शामिल थे, और इसके अंदर जो है एक दो संगठन जिसका नाम यूरोपियन यूनियन है, जिसके बारे में आप परिचित भी हो कि जो इसका मुख्यालय है, जो इसका मुख्यालय है वो आप सभी जानते हो कि इसका मुख्यालय कहां पर, जो ब्रुसेल्स है, जो बेल्जियम है, यहां इसका मुख्यालय स्थित है। और अगर पूछूं आपसे कि भाई इसकी जो है वो अध्यक्ष कौन है, पूछे आपसे, इसकी जो अध्यक्ष है वो उर्सुला वॉन भी है, इसकी जो अध्यक्ष है वो उर्सुला वॉन है। अगर दोस्तों आपने पढ़ा हो, देखना इंडिया मिडिल ईस्ट आपके जो यूरोप कॉरिडोर था उसके बारे में इन्होंने कहा था कि एक हिस्टोरिकल डील होगी, वो उर्सुला वॉन इसकी अध्यक्ष है। और दोस्तों इसकी जो करेंसी है वो यूरो इसकी करेंसी है, जिसको 20 देशों ने अपनाया हुआ है, और इसके अंदर वर्तमान में 27 देश जो है वो इसके अंदर शामिल है, ये आप भली भांति जानते हो। सवाल आपके सामने ये पूछता है कि जो इसकी पहली बैठक है G20 की, जो पहली जो समिट हुई है वो कब होती है,
सन 2008 के अंदर पहली सबमिट होती है। पूछूं आपसे कहां पर होती है, आपके वाशिंगटन डीसी जो है, जो अमेरिका की राजधानी है, वहां पर इसकी पहली सबमिट होती है। महत्वपूर्ण सवाल है, हर किसी को वर्तमान की तो याद है, हर किसी को ट्राई का तो याद है, लेकिन दोस्तों हर किसी को ये वाशिंगटन डीसी वाला याद नहीं होगा। इसलिए आप लिख लीजिएगा, इसकी जो पहली सबमिट हुई थी वो 2008 के अंदर होती है। वाशिंगटन डीसी जो है वो जो राजधानी है वहां की, यूएसए की, वहां पर पहली सबमिट होती है। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज बुश जो है उस समय राष्ट्रपति थे। इसकी पहली सबमिट 2008 के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर होती है। एक फोटो आपके सामने है, एक ट्रिक मुझे अभी मिली गूगल के ऊपर, अच्छी ट्रिक है जिसने बनाई है, उसको धन्यवाद है, कि G20 में कौन कौन शामिल है आपसे पूछ सकता है, इस साल तो कम से कम पूछ सकता है। ठीक है, पूछूं आपसे G20 में, सो पहले दोस्तों पहले इसका नाम G7 था, 7 देश शामिल थे इसके अंदर, 7 देश कौन कौन से थे, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, जर्मनी आपके, फ्रांस आपके, जर्मनी फ्रांस हो गया आपके, जापान हो गया, अमेरिका हो गया आपके, इटली हो गया, कनाडा हो गया, और आपसे इंग्लैंड हो गया, ये 7 देश शामिल थे। फिर दोस्तों इसके अंदर रूस शामिल हो गया तो G8 हो गया, और फिर इसमें 12 और शामिल हो गए तो ये G20 हो गया है, अब ये G21 हो चुका है। ठीक है, एक ट्रिक दोस्तों आपके सामने है कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है, बड़ी महत्वपूर्ण ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। आप पूछोगे सर जी का मतलब, तो जी का मतलब देखो, जो देश का मतलब जो है मैंने लिख दिया यहां पर, फिर भी मेरी बात को सुन लीजिए आप जो है, तो जी का मतलब से G4 जर्मनी हो गया, सो U4 आपके UK हो गया है, और सो R4 रूस हो गया है, सो U4 आपके वापस USA हो गया है, सो J4 जापान हो गया है, सो J4 जापान हो गया है, I4 सो आपके I4 इंडिया हो गया है, सो S4 साउथ कोरिया हो गया है, सो आपके I4 सो वापस इंडोनेशिया हो गया है, सो T4 तुर्की हो गया है, सो A4 अर्जेंटीना है, A4 ऑस्ट्रेलिया है, सो B4 ब्राजील हो गया है, सो S4 साउथ कोरिया हो चुका है सो आपके, फिर आपके सो S4 आपके एक देश और हो गया, S4 जो है आपके सऊदी अरब हो चुका है, C4 कनाडा हो चुका है, और सो F4 आपके फ्रांस हो चुका है, F4 फ्रांस से आपके, C4 सो वापस चीन हो चुका है, और सो I4 आपके इंडोनेशिया हो चुका है, M4 सो आपके M4 आपके मेक्सिको हो चुका है, E4 यूरोपियन यूनियन है, ये 20 देश शामिल है इसके अंदर। फिर सुन लीजिए आपके, गुरुजी सीता अब SSC FCI में पढ़ती है। देखो आप G20 के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हो, परीक्षा में पूछ लिया कौन सा देश शामिल नहीं है, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, इसलिए थोड़ी समस्या होगी, फिर भी आप याद कर लीजिए कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में पढ़ती है। फिर सुन लीजिए, सो आपके G4 आपके G4 जर्मनी है, सो U4 आपके UK हो गया है, R4 रूस हो गया है, U4 USA हो गया है, सो J4 आपके जापान हो गया है, I4 आपके I4 इंडिया हो गया है, S4 साउथ अफ्रीका हो गया है, सो I4 आपके इंडोनेशिया हो गया है, सो T4 पूछे आपसे, T4 टर्की हो गया है, सो A4 आपके A4 अर्जेंटीना हो गया है, A4 ऑस्ट्रेलिया हो गया, सो आपके B4 ब्राजील हो गया है, S4 आपके साउथ कोरिया हो गया है, सो S4 आपके, सो S4 वापस आपके कौन, सऊदी अरब हो गया है, C4 आपके कनाडा हो गया है, F4 आपके, सो F4 आपके कौन हो गया है, तो F4 आपके फ्रांस हो गया है यहां पर, C4 चीन हो गया है, सो I4 इंडोनेशिया हो गया है, M4 आपके मेक्सिको हो गया है, E4 यूरोपियन यूनियन है। ये आपके सामने गुरुजी सीता जो है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है, ये G20 की ट्रिक आपके सामने। ठीक है, आप पूछोगे सर G20 जो है उसकी अध्यक्षता जो है वो कहां हुई, आपके G20 I4 इंडिया भारत जो बोलना चाहो बोल दीजिए। ठीक है, मैंने कहा G20 जो है आपके 2022 के अंदर इंडोनेशिया जो है वो इसका होस्ट था, सो इंडोनेशिया पूछे आपसे, बाली जो है आपके यहां पर हुई थी, और अगर आप बताओ तो बताइए मुझे इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे उस समय कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, मैंने कहा 2022 में पिछले साल जो है सो बाली के अंदर इसकी 17 नंबर की बैठक जो है उसका आयोजन हुआ है, तो बाली में इसकी कौन सी, बाली में इसकी पिछले साल बैठक होती है। देखो इंडोनेशिया हर किसी को याद है, तो आप नोट कर लेना, G20 की इंडोनेशिया के अंदर बाली में बैठक होती है, 17 नंबर वाली बैठक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सो 18वीं जो बैठक है आपके वो तो भारत के अंदर होती है, 18वीं बैठक है, और आप पूछूं आपसे 1 दिसंबर 2022 को इस बैठक की शुरुआत होती है, भारत इसका अध्यक्ष बनता है, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत अध्यक्ष है, एक साल इसका अध्यक्ष रहा है। फिर सुन लीजिए, 1 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका होस्ट रहने वाला है, भारत इसका अध्यक्ष रहने वाला है, सो और 9
9 और 10 तारीख को जो है इसकी जो बैठक है समिट जो है, जहां दोस्तों बहुत सारे राष्ट्र अध्यक्ष आए हुए हैं, वो 9 10 तारीख को नई दिल्ली प्रगति मैदान के अंदर इसकी बैठक हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 22 वाली इंडोनेशिया में, 23 वाली इंडिया के अंदर हुई है। आप पूछोगे सर 24 वाली जो है जोको विडोडो, इसका ठीक आंसर है, इसको भी नोट कीजिएगा। अगर पूछे आपसे कि भाई साहब जो आपके 22 वाली जो बैठक हुई थी, मैंने सवाल पूछा आपसे 22 वाली जो बैठक हुई है उसमें जो आपके राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, जोको विडोडो जो है वो वहां के राष्ट्रपति थे, ये भी आपको छापना है, वर्तमान में भी यही है। आगे देखिए अगला जो कहा होगा, अगला वाला 24 वाला जो है वो ब्राजील के अंदर होने वाला, सो पूछे आपसे कहा होगा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील जो है वहां पर होने वाला। सो तीन देश आपके सामने, पिछला वाला, इस साल वाला, अगले साल वाला, ठीक है। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राई का, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं ट्रायो का। ये भी आपको छापना, कभी पूछ ले आपसे कि G20 ट्रायो का मतलब क्या है, पिछले वाला होस्ट, इस साल वाला होस्ट, अगले साल वाला होस्ट, ये तीन जो होस्ट होते हैं इन्हें बोलते हैं ट्रायो का। ये भी आपको छापना है, ट्रायको का मतलब तीन देश, तीन होस्ट, पिछले वाला होस्ट, इस साल वाला होस्ट और अगले साल वाला होस्ट, ये तीनों मिलकर ट्रायका खेलाएंगे, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आगे आपके, मैंने कहा G20 जो है इस बार भारत इसका होस्ट है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहां पर छिपा हुआ है, इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। G20 दोस्तों इस बार पूछे होस्ट कौन आपके, भारत होस्ट है, तो हम डिसाइड करेंगे इसकी थीम क्या होगी, हम डिसाइड करेंगे लोगो क्या होगा, तो हमने लोगो डिसाइड किया है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। पूछे आपसे कि G20 का जो लोगो है इसमें कौन कौन से रंग है, सो इसमें केसरिया रंग है आपके, केसरिया है, सफेद आपके, सो हरा रंग है इसके अंदर और नीला रंग है, तो मतलब सो हमारा जो तिरंगा है उससे मिलता जुलता रंग आपके सामने है, केसरिया, सफेद, हरा और नीला। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा आपसे कि G20 जो है उसके अंदर जो लोगो है उसमें कौन सा रंग नहीं है, भाई साहब अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आपकी भैंस पानी में जाने वाली है। तो G20 में कौन कौन से, केसरिया, सफेद, हरा, नीला, ये चार रंग इसके अंदर है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां दोस्तों आप गौर से देखो, देखेगा आपको यहां, देखिए आपको गौर से देखेगा, यहां दोस्तों आपको दिखाई देगा एक कमल का फूल दिख रहा होगा, इस कमल के फूल के ऊपर जो है आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है, कमल का फूल, पृथ्वी दिखाई दे रही है, तो पूछे आपसे लिखिएगा पृथ्वी और कमल का फूल जो है वो इसके अंदर है। यहां दोस्तों भारत 2023 इंडिया जो है उस तीनों लिपि के अंदर यहां पर लिखा हुआ है। अब आप पूछोगे सर ठीक बात है, इसमें सो पंखुड़ी जो है आपके, ये जो पंखुड़ी है कमल के फूल की, वो कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप है उनको दिखा रही है, तो कलर कौन सा है वो आपके सामने है। सो लोगो में आपके पृथ्वी है, कमल का फूल है, पंखुड़ी है, ये सारी चीजें शामिल है। आप पूछोगे सर ठीक बात है, इसका जो थीम है वो क्या है, ये महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, वसुधैव कुटुंबकम जो है वो इसकी थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है वो इसकी थीम है। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि G20 की थीम में कौन शामिल नहीं है, वन अर्थ शामिल नहीं है, वन फ्यूचर नहीं है, वन नेशन नहीं है, वन फैमिली नहीं है, तो वन अर्थ एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य जो है वो इसका आपके थीम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये तीनों इसकी थीम के अंदर है, नोट कीजिएगा। फिर सुन लीजिए, वन अर्थ जॉर्जियो मेलोनी बताऊंगा आपको, चिंता ना करें, घबराएं नहीं, कई लोग तो केवल उसके लिए आए हैं, चिंता मत करो, लेकर आया हूं उसका फोटो भी आपको दिखाऊंगा, है ना, हाँ, चुप चुप के चोरी चोरी चुप चुप के सब दिखाऊंगा, ठीक है। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम है, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है, ये दोनों एक ही बात है। आप पूछोगे सर कि जो ये वसुधैव कुटुंबकम है, सो आपके ये कहां से लिया, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, आप उसकी सीधी फोटो देख लीजिए, जहां से हमने लिया है ना वो फोटो आपके सामने मैं लेकर आया हूं, देखिए यही दोस्तों फोटो है, महाउपनिषद 6.72 जो है हमने यहां से क्या लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं सीधा उसी की फोटो दिखा रहा हूं आपको, पेज की, महाउपनिषद जो है आपके उसका 6 पेज का, आपके 6 चैप्टर का 72 नंबर जो है आपके, इसमें लिखा हुआ है किसके बारे में, देखिएगा इसमें दोस्तों ये संस्कृत में लिखा हुआ है आपके सामने, यहां देखिए वसुधैव कुटुंबकम आपको दिखाई देगा, तो संस्कृत में लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश नीचे लिखिए, देखिए द नैरो माइंडेड थिंग दिस पर्सन इज माइन एंड दिस वन इज नॉट, जो आपके संकीर्ण जो मानसिकता के लोग होते हैं, इसका मतलब क्या है, देखो परीक्षा वाला कुछ भी पूछ सकता है, ढंग से पकड़ना पड़ेगा इसको हमें। इसमें लिखा हुआ था नैरो माइंडेड थिंग, जो संकीर्ण सोच के लोग होते हैं, जो छोटे सोच के लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरा है, वो व्यक्ति मेरा नहीं है, दिस पर्सन इज माइन एंड दिस वन इज नॉट। और दोस्तों जो आपके फॉर दोज फॉर नोबल कंडक्ट द होल
होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, संपूर्ण विश्व जो है वो एक परिवार होता है, ये आपके सामने न्यूज हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका अर्थ हो गया है जो यहां पर लिखा हुआ है। इसी में दोस्तों आपके वसुदेव कुटुंबकम जो वर्ड है वो लिखा हुआ है, तो लिख लीजिए महाउपनिषद से लिया गया है वसुदेव कुटुंबकम वर्ड। इस पूरी जो आपके लाइन है उसका अर्थ क्या है, द नैरो माइंडेड थिंग दिस पर्सन इज माइन एंड दिस वन इज नॉट, फॉर दूज फॉर नोवल कंडक्ट द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये आपके सामने वसुदेव कुटुंबकम, वसुदा द अर्थ और इवा इज कुटुंबकम फैमिली। वसुदा जो है वो अर्थ हो गया है और कुटुंबकम फैमिली हो गया है, ये इस वर्ड का मतलब हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका लोगो क्या है, इसका थीम क्या है, कौन इसका होस्ट है, G20 क्या है और इसका वसुदेव कुटुंबकम जो है वो कहां से लिया गया है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब आइए काम की बात, बस 9-10 तारीख को G20 जो है समिट जो है वो भारत के अंदर जो है वो आयोजित हो रही है। आप जानते हो 9-10 तारीख को जमावड़ा हुआ था, सो बहुत सारे राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो सो भारत के अंदर आते हैं, सो नई दिल्ली के अंदर आते हैं। आप पूछोगे सर कौन कौन आया, तो आइए दोस्तों आपके सामने कौन कौन आया। ये 20 आपको यहां फोटो दिखाई दे रही है, इसमें दोस्तों आपके एक तो चीन वाला जो है छोटी छोटी आंखों वाला वो नहीं आया था, आपके चीन वाला छोटी छोटी आंखों वाला सी जिनपिंग नहीं आया। एक दोस्तों हमारे जो रूस वाले हैं पुतिन भाई साहब जो हैं, इनका कोई कार्यक्रम था ये भी नहीं आ पाए, तो ये भी ध्यान रखना। पूछे आपसे कौन नहीं आ पाया, सो चीन वाला नहीं आ पाया, ध्यान रखिएगा। जो आपके चीन तो आया था, चीन तो आया उसकी तरफ से कोई आया, पर चीन वाला जो आपके क्या बोलते हैं जो प्रेसिडेंट साहब है ना वो नहीं आ पाए थे, और जो रूस वाले प्रेसिडेंट साहब वो भी नहीं आ पाए थे। बाकी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नाम आपको जरूर ध्यान रखने, कौन कौन आया दोस्तों, इसमें ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनी जाए थे दोस्तों, आपको आप सब फोटो देखी होगी मोदी जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, सो बीच में एक महिला भी दिखाई दे रही है, याद करो मोदी जी के साथ में सेल्फी ले रहे थे, बीच में एक महिला भी आपको दिखाई देगी, वो है ऑस्ट्रेलिया के आपके एंथनी अल्बनी थी। शेख हसीना आई थी, पर शेख हसीना दोस्तों मेंबर नहीं है, हमारी गेस्ट थी, हमने बुलाया दोस्तों जुल्फा वाली को, वो मेंबर नहीं है, अभी आगे बताएंगे आपको। इसके अलावा जो ब्राजील के राष्ट्रपति है जिनको दोस्तों हम अंत में हथौड़ा देने वाले हैं वो भी साहब आए थे यहाँ पर, जो लूला डी सिल्वा साहब है वो भी आए थे। आपके कनाडा वाले दोस्तों जिनके साथ चोट हो गई, आपके प्लेन खराब हो गया भाई साहब कनाडा वालों का, जस्टिन टूडो जो है वो भी आए थे दोस्तों आपके कनाडा के जो पीएम। आपके चीन वाले छोटी छोटी आंखों वाला नहीं आया था, फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रों है दोस्तों आपके युवा है ये भी आए थे यहाँ पर, जर्मनी के चांसलर भी आए थे, भारत के पीएम तो यहीं पर थे आपको दिखाई दे रहा होगा, और इंडोनेशिया वाले जो पिछली बार अध्यक्ष थे जोको विडोडो वो भी आई थी आपके। सो इसके अलावा इटली वाली भी आई थी प्राइम मिनिस्टर आपके दोस्तों, जो छा गई भाई साहब, कोई दोस्तों कोई तो दोस्तों एक ऐसा होता है जो उस आपके सभा के अंदर उस शादी के अंदर छा जाता है ना, कोई एक ऐसा होता है। जॉर्जियो मेलोनी वही थी आपके, सो इटली की पहली महिला पीएम, इटली की पहली महिला खूबसूरत पीएम जो है वो जॉर्जियो मेलोनी। सो हमारी मीडिया को पता लग गया जॉर्जिया जी आई है, और भाई साहब हमारी मीडिया से पीछे पीछे घूम रही है, इनको कोई नहीं पूछ रहा, इनको पीछे पूछ रही है ना। तो इटली की पीएम जॉर्जियो मेलोनी इटली की पहली महिला पीएम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो जापान के जो फूमियो किशिदो साहब है वो भी आए थे पीएम साहब। सो इसके अलावा जो आपके रिपब्लिक ऑफ कोरिया वाले यून सुक योल है ये आए थे, रशिया वाले आ नहीं पाए थे, सऊदी अरब वाले आपके गजबन पानी ले चले वाले दोस्तों ये भी आए थे, आपके जो सुल्तान आपके सलमान है वो भी आए थे राजा, सऊदी अरब अफ्रीका वाले जो आपके साइरिल रामफोसा ये भी आए थे यहाँ पर, टर्की के दोस्तों आपके टर्की आपके जो आपके तुर्की के जो प्रेसिडेंट है आपके तैयब अर्दोगन ये भी थे यहाँ पर, और यूके वाले अपने जो दामाद जी ससुराल आए हुए थे ऋषि सुनक, जहां आपने देखा होगा कि सो हाथों में हाथ डाल के जो दामाद जी है वो आपके भारत के सड़कों के ऊपर घूम रहे थे, ये सारे भारत में आए थे। चीन वाला ध्यान रखिए, चीन वाला और रूस वाले जो है नहीं आ पाए थे, ये भी आपको कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। आप पूछोगे सर कौन कौन सी कंट्री इन्वाइटेड थी, कौन कौन से देश जो है वो आपके आमंत्रित थे, हमारे गेस्ट थे, 9 देश इन्वाइटेड थे आपके, वो है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। फिर सुन लीजिए, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई, ये 9 देश आपके सामने, बांग्लादेश, इजिप्त, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, ये 9 देश जो हैं वो इनवाइटेड थे बांग्लादेश की तरफ से, शेख हसीना जुल्फा वाली जो हैं वो। आवाज चली गई है, आ रही है आवाज,
तो बांग्लादेश वाली आवाज चली गई भाई साहब, किसी ने आवाज काट दी पीछे से, ठीक है। तो ये 9 देश आपके सामने जो है हमारे इनवाइटेड देश हैं आपके, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। अब आप पूछोगे सर कहां पर आए थे, आप पूछोगे सर कहां पर आए, तो दोस्तों ये यहां पर आए थे। इसको बोलते हैं भारत मंडपम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भारत मंडपम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भारत मंडपम। इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। ये दोस्तों कहां पर? तो प्रगति मैदान जो नई दिल्ली है, प्रगति मैदान जो नई दिल्ली है वहां पर स्थित भारत मंडपम, यहीं पर आए थे, ठीक है। तो पूछे आपसे कहां पर आए, तो प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम है इसको हमने सो बनाया आपके। ये भारत का सबसे बड़ा जो है आपके कन्वेंशन सेंटर है, यहां पर ये लोग आए थे। ये भी आपको छापना है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए आपके यहां, दोस्तों इसके बाहर आपको एक प्रतिमा दिखाई देगी, एक मूर्ति दिखाई देगी। ये है नटराज की मूर्ति, तांडव करती हुई मूर्ति है। इसको थोड़ा जूम करते हैं, जूम हो जा भाई साहब। ये दोस्तों देखिएगा आपके, ये हो गई जूम। ये है नटराज की मूर्ति जो आपको दिखाई दे रही है। सो भारत मंडपम के जस्ट बाहर आपको ये मूर्ति दिखाई देती है आपके, 27 आपके जो 27-28 फीट ऊंची क्या है ये मूर्ति आपके, 27 फीट ऊंची मूर्ति है। और सो तमिलनाडु जो चोल साम्राज्य था वहां से हमने इस मूर्ति को लिया हुआ है। इसमें दोस्तों एक तो आपके अभय मुद्रा में पहले देख लेते हैं, इस मूर्ति के बारे में देखते हैं। देखिएगा ये नई दिल्ली के अंदर लगाई हुई थी, नटराज की मूर्ति है, 27 फीट ऊंची मूर्ति है, जो कि विश्व की नटराज की हाईएस्ट मूर्ति है, विश्व की नटराज की आपके सबसे ऊंची मूर्ति यही वाली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भगवान शिव का तांडव रूप दोस्तों इसमें दिखाया गया है। ये लास्ट वैक्स मेथड जो है इस पर दोस्तों आधारित है आपके, मतलब दोस्तों आपसे पहले दोस्तों इसको मोम से बनाया था, फिर दोस्तों इसके अंदर 8 धातु भरी गई हैं, अष्ट धातु जो है इससे बनी हुई है। तो लास्ट वैक्स मेथड पर आधारित है आपके, अष्ट धातु 8 धातु जो है वो इसके अंदर है। और चोल साम्राज्य जो है आपके उनकी मूर्तियां हैं। तो चोल साम्राज्य की सबसे खास बात यह है कि इसकी मूर्तियां बहुत विशालकाय होती हैं। आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा, चोल साम्राज्य जो है वो जौहरी की तरह मूर्ति को तलाशते और विशालकाय मूर्ति बनाते हैं। मंदिर दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर आपके उनका बहुत दोस्तों विशालकाय मूर्ति ये लोग बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा चोल साम्राज्य की मूर्ति है। तमिलनाडु के बहुत सारे वास्तुकार है, कोई एक वास्तुकार नहीं है इसलिए एक का नाम नहीं लिखूंगा। तमिलनाडु के बहुत सारे वास्तुकार जो है उसमें यूज हुए थे। तो 27 फीट ऊंची मूर्ति है नटराज की, भगवान शिव का तांडव रूप है, लास्ट वैक्स मेथड पर है, अष्ट धातु की बनी हुई है, चोल साम्राज्य की मूर्ति है। तमिलनाडु के वास्तुकार ने इसको बनाया था। आप बोलोगे सर मूर्ति दिखाओ, मूर्ति आपके सामने, पर दोस्तों मैं आपके सामने इस मूर्ति का जो रूप है वो नहीं दिखा पाऊंगा, फिर भी कुछ समझा देता हूं आपको। देखिएगा दोस्तों आपके मूर्ति है इसमें आपके एक तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपके, राइट हैंड दोस्तों आपके जो राइट हैंड है इसके अंदर है वो सबके अभय मुद्रा के अंदर है, मतलब आपको आशीर्वाद दे रहा है। तो राइट हैंड जो है, जो राइट हैंड है उसमें अभय मुद्रा के अंदर, सो राइट हैंड यहां पर देखिए ये जो है वो अभय मुद्रा के अंदर है, आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई रहा है। सेकंड आपके यहां दोस्तों आपको डमरू दिखाई देगा, एक हाथ में डमरू भी है जो कि दोस्तों क्रिएशन का, जो कि ध्वनि जो है सर्जन है उसका प्रतीक है, मतलब भगवान शिव जो है उन्होंने पृथ्वी को बनाया हुआ है, वो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। आप पूछोगे सर सेकंड आपके एक हाथ में अग्नि भी है इनके, जो कि दोस्तों विनाश का प्रतीक है आपके, एक हाथ में अग्नि भी है जो कि विनाश का प्रतीक है, मतलब दोस्तों अगर भगवान शिव इस पृथ्वी को बना सकते हैं तो इसको मिटा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं, ठीक है। भगवान शिव ने पृथ्वी बनाई है, सृजन की है, तो इसका विनाश भी वही कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा उछलो मत, फुदको मत ज्यादा, क्योंकि दोस्तों इनके आपके एक पैर के नीचे जो है आपके मनुष्य को अहंकार को तोड़ने वाली जो है आपके प्रतिमा यहां पर है। तो देखिए क्या क्या आपके नटराज की मूर्ति के अंदर अभय मुद्रा है, सो अग्नि है, डमरू है, और मानव जो अहंकार है, मानव जो अहंकार है उसको समाप्त करती हुई मुद्रा है। और बाकी दोस्तों फिर भी देखिए, फिर भी चेहरे पर स्माइल दिखाई देगी, मतलब मैं हूं, भगवान शिव कह रहे हैं मैं हूं, तो बिल्कुल शांति रहेगी, चिंता मत करो, मैं हूं तो तुम हो, कहने वाली बात यह है। ये है भगवान शिव के तांडव रूप की मूर्ति आपके सामने, ये है आपके महादेव की नटराज मूर्ति आपको मैंने दिखाई है। अब आप बोलोगे सर जब ये लोग आए थे तो कहां इनका सो वेलकम हुआ? इनका तो सो वेलकम यहां पर हुआ था। ये आपके अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडन साहब आपके सामने है, और सो ये दोस्तों पीछे दोस्तों आपके सीनरी आपके पीछे लगी हुई थी, ये है कोणार्क का, सो ये सो कोणार्क का पहिया आपके सामने है। कोणार्क जो है इसका जो पहिया है वो आपको यहां पर दिखाई
दे रहा है। इसमें दोस्तों आपके कुछ आपको दिखाई देंगी, 1, 2, 3, 4, 5, एक यहां पर 6 है, 7, 8 जो आपके कुछ छोटी भी आपको दिखाई देंगी। ये कोणार्क का सो पहिया है। कोणार्क याद करो कहां पर, सो ओडिशा के अंदर, आपके ओडिशा में आप जानते हो गंग वंश आपके, सो गंग वंश ने, गंग वंश के नरसिंह देव आपके, सो गंग वंश है आपके जो वहां के, वो बनाया था इसको, ओडिशा के अंदर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सो बड़ा फेमस मंदिर है, और कोणार्क का जो पहिया है, मतलब आपके बदल चुका है समय, अब जो है अब समय भारत की ओर मुड़ चुका है। कोणार्क का पहिया आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये सो वेलकम में सो पीछे जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे देखिए फर्स्ट सेशन, आपके फर्स्ट सेशन जो हुआ थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ रहा, क्या करूँ बहुत सारा कंटेंट है ना, कम समय में देना है, भविष्य में आप रिवाइज कर पाओ, इसलिए थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सो इसको ब्लैक पैगोडा क्या बोलते हैं, सो कोणार्क जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं हम लोग जो है, इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं, गंग वंश ने बनवाया था इसको, कोणार्क का सूर्य मंदिर। सो पहला सेशन आपके वन अर्थ वन फैमिली, सो फर्स्ट सेशन जो हुआ आपके वो वन अर्थ पर फर्स्ट सेशन हुआ था, ये भी आप जानते हो। इसके बाद दोस्तों अफ्रीकन यूनियन जो है आपके, वो आप सभी जानते हो, हमने जो है अफ्रीकन यूनियन को एक नया मेंबर बनवा दिया, किसका, G20 का। अफ्रीकन यूनियन एडमिटेड एज परमानेंट मेंबर बन चुका है, तो अफ्रीकन यूनियन आपके, अफ्रीकन यूनियन G20 का 21वां स्थायी मेंबर बन चुका है। मतलब दोस्तों G20 में 19 देश हो चुके हैं, और आपके दो आपके संगठन हो चुके हैं, एक तो EU हो चुका है, और एक आपके अफ्रीकन यूनियन हो चुका है, ये दो शामिल हो चुके हैं। तो मैंने कहा आपसे कि जो आपके अफ्रीकन यूनियन है वो G20 का 21वां मेंबर बन चुका है। कभी सवाल आपसे पूछ रहे कि भाई अफ्रीकन यूनियन जो है, कभी सवाल पूछे G20 में कितने देश शामिल है, 19 देश शामिल है, आज भी 19 है। कितने दोस्तों संगठन शामिल है, 2 शामिल है, पहले एक EU था, अब AU हो चुका है, 2 हो चुके हैं, देख लीजिए, एक तो अफ्रीकन यूनियन हो चुका है, एक दोस्तों EU हो चुका है। ये हमारे प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अफ्रीकन यूनियन के जो आपके वहां के जो राष्ट्रपति हैं, वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां के जो अध्यक्ष हैं, वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कहा मुबारक हो G20, अब क्या हो चुका है, मुबारक हो G20 जो है, G21 हो चुका है। इनकी आंखों में दोस्तों आंसू आ गए कि हमें शामिल कर लिया G20 में, इतना दोस्तों महत्वपूर्ण संस्थान है, आप जानते हो कुछ नहीं है, केवल सो बातूनी मंच है, बात करके गए अब भूल जाएंगे क्या हुआ इस साल, अब अगले साल फिर इनको याद आने वाली है। और दोस्तों पूछूं आपसे, अफ्रीकन यूनियन इसमें 55 देश शामिल हैं, पूछे आपसे इसका मुख्यालय कहां पर, सो अदिस अबाबा जो है आपके, जो कि इथियोपिया जो है यहां की राजधानी है, यहां इसका मुख्यालय हो गया है। इसके अध्यक्ष कौन थे अगर आपको याद हो, याद कीजिए आपके, जो दोस्तों जो आपके जो ये गले लगे हुए थे, ये इसके अध्यक्ष थे, इनका नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे कि इसका जो अध्यक्ष है वो उसका नाम क्या है। अफ्रीकन यूनियन इसकी स्थापना 1963 में इसकी स्थापना होती है, 55 देश शामिल है इसके अंदर, अदिस अबाबा यहां पर इसका मुख्यालय हो गया है, और जो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों जो गले लगे हुए थे, वो अध्यक्ष का नाम क्या है, ये आपको मुझे छापना है। एक का भी आंसर नहीं आया है, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है, आपको मजा आ रहा है सुनने में किसके बारे में, जॉर्जियो मलोनी के बारे में, आपको तो उसमें मजा आ रहा है, क्या मतलब आपको इसका अध्यक्ष कौन है, पेपर में पूछ लेगा भाई साहब, भैंस आपकी पानी में चली जाएगी। बताओ, मैंने पूछा आपसे इसका जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या था, मैं आपको बहुत बार लिखा चुका हूं, इसका जो अध्यक्ष है उनका नाम बहुत बार लिखा है, हाँ अजाली सुलेमानी शाह से पूछे आपसे, इसके जो अध्यक्ष है एक का नाम थोड़ा बहुत ठीक भी था, पर फिर निकल गया आपके अजाली ओशेमानी, लिखना आपके, सो अजाली जो ओशेमानी है ये इसके अध्यक्ष थे। इनकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे दोस्तों मेरी आंखों में आ रहे हैं आंसू अभी इस समय कि आपको पढ़ाते हुए, वही ऐसे आंसू जो है इनकी आंखों में आ गए थे, ठीक है। तो ये इसके अध्यक्ष थे। बाकी दोस्तों यहां पर ये देखिए आप फोटो, कितना खतरनाक फोटो है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है इसको लॉन्च किया सो भारत ने आपके, तो पूछूं आपसे इस बार G20 में क्या लॉन्च होता है, ग्लोबल बायोफ्यूल जो अलायंस है इसको लॉन्च किया है। मतलब दोस्तों जो आपके फ्यूल है उसका एक वैकल्पिक सोर्स जो है उसको तैयार करना उद्देश्य है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है। और ये है हमारी जो बांग्लादेश वाली शेख हसीना जी जो है वो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। इनकी दोस्तों लगती नहीं है पर इनकी उम्र बहुत ज्यादा है, दोस्तों इनकी उम्र बहुत है। जो दोस्तों हमारे दामाद जी आपके भारत आए थे तो इनका पैर छुए थे उन्होंने, समझ लो कितनी उम्र होगी इनकी, दोस्तों उम्र बहुत है। बाकी दोस्तों
खुद को मेंटेन किया हुआ इन्होंने, बाकी लगती नहीं उम्र पर बहुत उम्र की है शेख हसीना, वाइट वाइट बाल आ चुके हैं इनके, ठीक है सुनना मेरी बात को। मैंने कहा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस घोषित हो चुका है, भारत ने इसकी घोषणा की है, सो भारत ने बोला है आइए आप सब लोग भी शामिल हो जाइए इसके अंदर। सब ने पूछा क्या करोगे इसके अंदर, तो सो भारत ने कहा है कि जो पेट्रोल जो है उसमें 20% जो है, 20% जो है वो हम इथेनॉल मिलाएंगे। सबने बोला ठीक बात है मिला देंगे इथेनॉल जो है, मिलाने में हम एक्सपर्ट हैं, नीट तो वैसे भी नहीं पीते हम लोग जो है, कुछ मिलाकर ही पीते हैं। तो इन्होंने बोला ठीक बात है, तो पेट्रोल में 20% जो इथेनॉल है वो तो सो मिलाया जाएगा इसके अंदर। ऐसा कहां गया है, कहां गया है, होगा नहीं होगा वो बात की बात होगी। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है इसकी घोषणा हो चुकी है, इसको लॉन्चिंग हो चुकी है, और इसमें पेट्रोल जो है उसमें 20% जो है वो इथेनॉल मिलाया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। जो फ्यूल है उसका वैकल्पिक जो सोर्सेज है वो तैयार होंगे, जिससे दोस्तों आपके, जिससे आपके जो हमारी जो कार्बन इमिशन है वो कम होगा। और दोस्तों हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है 2070 तक आपके नेट जीरो कार्बन इमिशन करना, ये हमारा लक्ष्य है, जो कि हमसे होने वाला है नहीं, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद दोस्तों हमारा इस आपके G20 में आपके, क्योंकि दोस्तों दिल्ली के अंदर बैठक हो रही है, तो हमने कहा भाई दिल्ली में आए हो तो कुछ घोषणा करके जाओ, हमारी सो आदत है आपके कोई नेता आएगा तो घोषणा करके जानी पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक बात है G20 न्यू दिल्ली जो आपके डिक्लेरेशन है उसकी दोस्तों घोषणा होती है इसके अंदर। तो कभी सवाल पूछ ले आपसे कि नई दिल्ली घोषणा पत्र जो है इसका संबंध किस संगठन से है, अपना G20 से है। और दोस्तों इसके अंदर जो है वो ग्लोबल साउथ जो है उसकी बात हुई आपके, इसमें 73 मुद्दे हैं, कहीं दोस्तों आपको मिल जाएंगे कितने पेज है इसमें, क्या पढ़ना, कितने पेज है, कितनी लाइन है, कोई पूछेगा क्या आपसे, छोड़ो उसको कितने पेज है कितनी लाइन है, आप तो फोकस करो किसके ऊपर, जॉर्ज मलोनी के ऊपर फोकस करो, वही आपको पेपर पास करवाएगी, ठीक है। सुनिए नई दिल्ली घोषणा पत्र जो है वो पूछे आपसे कौन सा संगठन आपके वो G20 का है, ये भी आपको छापना है। इसमें 73 मुद्दे हैं, 73 इसके अंदर इशू थे आपके जिनके ऊपर बातचीत हुई है, रूस यूक्रेन भी था आपके, सो इसमें आपके सो हम रूस यूक्रेन है आपके, सो ग्रीन आपके वर्ल्ड बनाना है, कार्बन इमिशन कम करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बढ़ावा देना, बहुत सारे थे, फलाना ढिमकाना सारे लिख दिए जितने भी थे ना सारे। सबसे बोला कि बता तू बता कौन सा मुद्दा है, उसने कहा हमारा तो ये मुद्दा है, लिख दिया इसमें। फिर पूछा तू बता कौन सा मुद्दा है, उसने कहा हमारा ये मुद्दा है, लिख दिया इसमें। एक ने बोला रूस यूक्रेन मुद्दा है, इसने कहा ठीक है लिख देते हैं पर कुछ होगा नहीं क्योंकि रूस हमारा दोस्त है, हम कुछ करने वाले हैं नहीं। तो ये ग्लोबल साउथ की बात आती है आपके, साउथ मतलब आपके जो विकासशील देश है आपके वो एक साथ आएंगे तो ग्लोबल साउथ बन जाएगा, विकासशील दो देश है उनका जो संगठन बन जाएगा उसे ग्लोबल साउथ बोला गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अंदर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है इसकी घोषणा होती है, IMEC, कौन सा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है उसकी इसमें घोषणा होती है, जिसमें आपके भारत शामिल होने वाला है, मुंबई से स्टार्ट होगा, फिर दोस्तों यहां दोस्तों आपके यहां से आपके UAE पहुंच जाएगा, फिर सऊदी अरब पहुंच जाएगा, उसके बाद जॉर्डन पहुंच जाएगा, फिर इजराइल पहुंच जाएगा, उसके बाद रूस आपके ग्रीस पहुंच जाएगा, फिर आपके बहुत सारे यूरोप के देश, फ्रांस है, जर्मनी है, वो सारे शामिल होंगे इसके अंदर, और USA जो है वो भी इसमें शामिल हो चुका है, ठीक है। तो भारत, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस, यूरोप, USA जो है शामिल हुआ है इसमें। इसमें तो आपके ईस्टर्न कॉरिडोर है और इसमें नॉर्थन कॉरिडोर आपके इसके अंदर है। इंडिया को, मिडिल ईस्ट को, यूरोप को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है इसकी स्थापना होगी, ऐसा भी कहा गया है, कब होगी नहीं पता। और दोस्तों इसको दोस्तों अमेरिकन जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन साहब, उन्होंने कहा है कि ये एक बिग डील है, सबसे बड़ी डील है आपके, सो जो यूरोपियन यूनियन है आपके, वहां की जो आपके हेड है उर्सुला वोन, उन्होंने कहा है कि ये हिस्टोरिकल डील है, क्योंकि दोस्तों ये है जो काउंटर करेगी इसको आपके, क्योंकि दोस्तों ये जो है वो वन बेल्ट वन रोड जो है इसको काउंटर करने वाली है, जो कि दोस्तों चीन की पहल है, इसलिए इसको बिग डील, हिस्टोरिकल डील जो है करार दिया गया है। बाकी दोस्तों ये जो फोटो आपको दिख रही है ये अंतिम फोटो मेरी तरफ से आपकी, क्योंकि इसके क्योंकि दोस्तों इसमें आपको ये है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आपके, जो कि दोस्तों G20 के इस साल अध्यक्ष थे, आप सभी जानते हो भली बात ही G20 के 2023 के अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी थे, भारत अध्यक्ष था। और सो ये कौन है, सो ये है ब्राजील के, सो ब्राजील के नए नवेले दोस्तों आपके जो है नए नवेले राष्ट्रपति जो आपके लूला डी सिल्वा जो है वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और भाई साहब दोस्तों ये है हथौड़ा, ये है हथौड़ा, आप पूछोगे सर किसकी खोपड़ी तोड़,
तोड़ने के लिए दे रहे हैं, आपके आपकी खोपड़ी तोड़ने के लिए दे रहे हैं इसको। जो नहीं पड़ेगा उसकी खोपड़ी फोड़ दो, मोदी जी ने कह दिया इनसे, जो नहीं पड़ेगा उसकी खोपड़ी फोड़ देना। आप जो है इस क्लास को जो छोड़ेगा उसकी खोपड़ी फोड़ देना, सुनना मेरी बात को। तो सो पूछे आपसे कि इस साल जो G20 का जो हथौड़ा है उसको भारत ने, आपके भारत ने किसको दिया है, आपके ये दिया है ब्राजील को। हथौड़ा देते हैं, सो हथौड़ा देते हैं छापना, क्या देते हैं, हथौड़ा देते हैं आपके। तो G20 का हथौड़ा किसको दिया, ब्राजील को दिया है। पूछे आपसे किसको दिया है, जो आपके वहां के लूला डी सिल्वा जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको प्रदान किया है। दो दोस्तों आपके वीडियो और आपके यूट्यूब पर मिल जाएंगे जिसमें G20 की मीटिंग कहां पर हुई है, सारी मीटिंग आपके, और G20 नहीं रहा वो भी आपको वीडियो मिलेगी। पर पहली पहली मीटिंग कहां पर हुई है, सर नल्ला को नहीं बुलाते, नल्ला को क्या बुलाए दोस्तों, नल्ला बगल में बैठ कर देख रहा है। हमारी मीडिया सब कुछ दिखा देती है, आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। G20 से कुछ बैठक आपके सामने, पहली पहली बैठक कहां पर हुई, सुनते जाना, पहली बैठक है। बाकी दोस्तों आपके जो आपके 250-200 से अधिक बैठक हुई है, आपके बहुत सारी बैठक हैं, 60 शहरों में हुई है, आप याद तो नहीं कर पाओगे पर पहली पहली तो याद कर लो। पहला पहला प्यार, पहली पहली बार, सो बड़ा महत्वपूर्ण। देखिएगा G20 की पहली शेरपा बैठक पूछे आपसे, इस बार जो G20 है उसका शेरपा कौन थे, अमिताभ कांत शेरपा थे, ये आप जानते हो। अमिताभ कांत जो है शेरपा थे, ये भी आप जानते हो। पहली शेरपा बैठक उदयपुर में हुई है। अभी दोस्तों हाल ही में जो फोर्थ बैठक है शेरपा वाली, वो नूह हरियाणा के अंदर हुई है। ये सो स्थान सो बड़ा चर्चा में है, इसलिए मैंने लिख दिया आपके सामने, पहली शेरपा उदयपुर में, फोर्थ शेरपा नूह हरियाणा के अंदर, पहली डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप वाली मुंबई के अंदर, पहली फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली कोलकाता के अंदर, पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वाली पुणे के अंदर सो आपके, बाकी पहली एंटी करप्शन आपके छापना गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, साइंस 20 पुडुचेरी के अंदर, 73-200 मुद्दे इसके अंदर हैं, बाकी फर्स्ट एनवायरनमेंट बंगलुरु के अंदर है, पहली एग्रीकल्चर इंदौर के अंदर, और पहली कल्चर छापना खजुराहो के अंदर, पहली एग्रीकल्चर इंदौर में, पहली कल्चर खजुराहो में, पहली विदेश मंत्री दिल्ली के अंदर, और पहला हेल्थ तिरुवनंतपुरम के अंदर, पहला एजुकेशन चेन्नई के अंदर, पहला रोजगार वाला जोधपुर के अंदर, पहला पर्यटन वाला कक्षकरण के अंदर, तीसरा जम्मू कश्मीर के अंदर। कभी दोस्तों आपसे पूछ ले कि G20 साहब, कभी दोस्तों पूछे आपसे कि G20 जो है हथौड़ा क्यों देते हैं, अरे ऐसे दोस्तों आपके प्रतीक है कि कोई से कोई मसाल देता है, कोई हथौड़ा देता है, अलग अलग बात है ना, अलग अलग प्रतीक है आपके। लिखिएगा, पहली रोजगार जोधपुर के अंदर, पहला पर्यटन कक्षकरण के अंदर, तीसरा जम्मू कश्मीर के अंदर, महत्वपूर्ण सवाल है, तीसरा पर्यटन पूछूं आपसे जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिविल 20 पूछूं आपसे जयपुर के अंदर होती है, पूछे इसका अध्यक्ष कौन थी, अमृता नंदमयी देवी जो है, अम्मा जो है हमारी, वो इसकी अध्यक्ष थी, ध्यान रखिएगा। सिविल 20 जयपुर के अंदर होती है, पूछे इसका अध्यक्ष कौन है आपके, अमृता नंदमयी देवी जो है वो इसकी अध्यक्ष हैं। फिर देख लीजिए एक बार कौन सी बैठक कहां पर हुई है, फिर देखिए पहली शेरपा उदयपुर में, अभी दोस्तों फोर्थ कहां पर, नूह हरियाणा के अंदर हुई है, पहली विकास मुंबई में, पहला फाइनेंशियल इंक्लूजन कोलकाता के अंदर, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर पुणे के अंदर आपके, और पहला एंटी करप्शन गुरुग्राम में, साइंस 20 पुदुचेरी के अंदर, 73 मुद्दे थे इसके अलावा, पहला एनवायरमेंट बंगलुरु के अंदर, पहला एग्रीकल्चर इंदौर के अंदर, पहला कल्चर खजुराहो के अंदर, प्रथम विदेश मंत्री दिल्ली के अंदर, पहला हेल्थ तिरुवनंतपुरम के अंदर, पहला एजुकेशन चेन्नई के अंदर, पहला रोजगार जोधपुर में, पहला पर्यटन कक्षकरण के अंदर, तीसरा जम्मू कश्मीर के अंदर, सिविल 20 जयपुर के अंदर, और बाकी दोस्तों पूछे आपसे एक जो है वो आपके आर्ट एग्जीबिशन भी हुई है जो पटना बिहार के अंदर हुई है, और इसकी थीम क्या थी, टुगेदर वी आर्ट जो है वो इसकी थीम थी। ये सारी बातें आपके सामने है, बाकी तो ये पूरा G20 मैंने आपको पढ़ा दिया है। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको G20 के बारे में इससे अधिक जानना नहीं है, बाकी तो सो पढ़ने को तो बहुत कुछ होगा। जो आपके 40 पेज का तो नई दिल्ली घोषणा पत्र है, पढ़ने को बहुत कुछ है, आप जो चाहो पढ़ सकते हो, पर मेरा प्रयास ये था कि आपको G20 क्या है, उसकी G20 क्या है उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, और G20 की बैठक कहां पर हो रही है, पहली पहली कहां पर हुई है, ट्राई कहां क्या है, वसुदेव कुटुंबकम कहां से आ गया, कौन कौन उसके अंदर आए थे, क्या क्या घोषणाएं उसके अंदर होती हैं, सारी आपके सामने रख दी है। आप चाहो तो 50 सवाल बनाओ, चाहे तो 100 सवाल बना लो, इससे कंटेंट तो यही रहने वाला है जो कि बड़ी सोच समझ के आपके लिए रखा गया है। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको मजा भी आया होगा इसके अंदर जो है, बाकी खुश रहिएगा, खूब बार बार पढ़िएगा इसको, अपनी कॉपी के अंदर नोट्स
नोट कर लीजिएगा। हाँ थोड़ी स्पीड मेरी तेज होती है क्योंकि कंटेंट बहुत सारा होता है, अब कंटेंट भी देना तो जरूरी है आपके। बाकी दोस्तों इस क्लास को मैं चाहूँ तो यूट्यूब के ऊपर 2 घंटे ले लूँ तो भी मजा आएगा आपको। बाकी मैंने क्लास को कम टाइम के अंदर आपको बहुत कुछ दे दिया है। बाकी ध्यान रखना अपना, ऑल द बेस्ट। सुबह 6 बजे फिर मुलाकात आपसे होने वाली है करंट अफेयर्स को उसकी औकात दिखाने वाली क्लास के अंदर। अंत में आप सभी के लिए मेरी तरफ से 4 लाइनें जो आप सभी के लिए होगी, ये हाँ कि मैथ को पकड़ा तो रीजनिंग रूठ जाता है, मैथ को पकड़ा तो रीजनिंग रूठ जाता है, जीके को पकड़ता हूं तो जीएस रूठ जाता है, और अगर सिलेक्शन ना हो कभी गलती से तो पड़ोसी के तानों से दिल टूट जाता है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, ध्यान रखना, खुश रहिएगा। अच्छी लगी क्लास तो लाइक करना, कोई कमेंट आपका मेरे लिए हो तो कमेंट छोड़ देना, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।